बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं वाओ इन्वेंशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा SC8108 नेटवर्क केबल टेस्टर को कैसे यूज़ किया जाता है और इसकी मदद से ट्रबल शूटिंग ट्रेस करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टेस्टर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को हम मेन मीटर कहते हैं, जिस पर मुकम्मल बायोडाटा शो होता है, और दूसरे हिस्से को रिमोट कहते हैं। रिमोट में AJ45 जैक लगता है और इसके अंदर एक बजर लगा होता है। जबकि मेन मीटर में चार बटन होते हैं, ग्रीन ऑन ऑफ के लिए, दूसरा अप डाउन और चौथा फंक्शन चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मीटर को ऑन करने के लिए 1.5 वोल्ट के चार सेल यूज़ किए जाते हैं। इसके हेड पर दो पोर्ट होती है, एक मेन पोर्ट और दूसरा लूप बैक पोर्ट होती है। तो दोस्तों, जब हम मीटर को ऑन करते हैं तो चार स्टेप शो होते हैं। पहले नंबर पर वायर मैप, दूसरे नंबर पर पेयर एंड लेंथ, तीसरे नंबर पर कोएक्स टेस्ट और चौथे नंबर पर सेटअप देखने में मिलते हैं। दोस्तों, मैं वायर के बगैर एक मरतबा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले नंबर पर वायर मैप, इसमें अगर आपकी वायर ब्रेक हो, वायर शॉर्ट हो या इनका सीक्वेंस ठीक ना हो तो वो शो करेगा। दूसरे नंबर पर पेयर लेंथ, इसमें जितने आपके पेयर होंगे और इसकी जितनी लेंथ होगी वो शो करेगा। तीसरे नंबर पर कोएक्स टेस्ट में केबल चेक करेगा और आपको बताएगा कि आपकी केबल ओके है या नहीं। चौथे नंबर पर सेटअप में दो चीज़ें आती हैं, अगर आपने केबल की सेटिंग फुट में की है तो फुट में लेंथ शो करेगा, अगर आप मीटर में सेटिंग करें तो मीटर में लेंथ शो करेगा। दूसरे नंबर पर इसकी अगर कैलिब्रेशन आउट हो जाए तो इसकी कैलिब्रेशन की जा सकती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको केबल लगाकर और इसको ब्रेक करके आपको चेक करवाता हूँ। RJ45 जैक एक में रिमोट में लगाऊंगा और दूसरा जैक मीटर के मेन पोर्ट में लगाऊंगा। और वायर मैप में चेक करते हैं। 200 मीटर शो कर रहा है कि आपकी केबल पास है, क्योंकि यहाँ किसी किस्म का फॉल्ट नहीं आया। केबल की रिमोट साइड से और मेन पोर्ट से नंबरिंग मुकम्मल है। दूसरे नंबर पर इसके पेयर और लेंथ चेक करते हैं, इसके पेयर बिल्कुल ठीक है और लेंथ 12.4 फुट शो हो रही है। तीसरे नंबर पर आपकी केबल चेक करेगा कि सही है या नहीं, तो मीटर ने पास कर दिया है, मीटर आप का बिल्कुल ठीक है। चौथे नंबर में फुट की जगह मैं मीटर की सेटिंग करता हूं, तो आप देख सकते हैं पहले 12.4 फुट शो कर रहा था और अब 3.8 मीटर वायर शो कर रहा है। दोस्तों, अब आपको वायर ब्रेक करके चेक करवाता हूं कि अगर आपकी कहीं वायर ब्रेक है तो फिर मीटर में कैसे डिजिट शो होंगे। तो दोस्तों, मैंने वायर ब्रेक कर दी है और अब मैं वायर मैप में चेक करता हूं। तो आप देख सकते हैं मीटर साइड पर 7 और 8 पर क्रॉस का सिग्नल आ गया है, इसका मतलब है कि आपकी दो वायर ब्रेक है। दोस्तों, मीटर ये भी शो करता है कि आपकी वायर मीटर वाली साइड से ब्रेक है या रिमोट वाली साइड से। तो मैं दोनों जैक को आपस में चेंज करता हूं। तो दोबारा चेक करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं अब रिमोट वाली साइड पर क्रॉस का निशान आ गया है, और अगर हम केबल चेक करते हैं तो यहां पर ओपन का सिग्नल आ गया है कि आपकी केबल रास्ते में ब्रेक है। तो दोस्तों, जब भी आप केबल चेक करें तो हमेशा दोनों साइडों से जैक फ्री करके फिर चेक करें, नहीं तो जैसे मीटर में शॉर्ट शो हो रहा है ऐसे शो होगा।
दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और जाते जाते वीडियो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।